अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा सीन ये है कि तीन दिन मैं कहाँ था, क्या कर रहा था और कैसे कर रहा था, वो इस पूरी वीडियो का हिस्सा है। लेकिन उससे पहले उन सब लोगों को शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम को बनाने में, उसको कामयाबी से एक किरदार तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा किया है। मैं ख़ास तौर से मेंशन करना चाहता हूँ उन तमाम पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया प्रोग्राम को। मेरा पहली दफ़ा है ग्वादर में, उन्होंने मुझ पर एतमाद किया, प्रोग्राम में आए, उनकी बातें सुनी, अपनी बातें सामने रखी, ट्रेनर्स को सुना। तो पहली बात तो ये है कि उन आप सबका शुक्रिया। दूसरी बात ख़ास तौर से मेरी टीम का, जिनमें आरिफ नूर हैं या जो ट्रेनर्स थे अमार सब्जवारी, अब्दुल समद और अब्दुल बासित पटेल, तो इन लोगों का शुक्रिया। और अबाबाल अमवाज का जिन्होंने हमें अपने ट्रेनर्स प्रोवाइड किए ताकि ये प्रोग्राम हो ग्वादर में, हम दुनिया बदलेंगे। तो हम दुनिया बदलेंगे क्या है, कैसे है, आगे आपको थोड़ा थोड़ा करके पता चलता जाएगा। फ़िलहाल के लिए आप वीडियो देखें, इंजॉय करें, दैट्स इट। एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमार सब्जवारी है, आई एम एसोसिएटेड विद अमवाज। और आज जो है ये चार अदद मौजी जो आपको दिख रहे हैं गाड़ी में, हम लोग निकले हैं फॉर ग्वादर। ये चारों बंदे जो हैं ट्रैवल कर रहे हैं ग्वादर के लिए। वहाँ पे हमारी एक कॉन्फ्रेंस है, वी विल बी इंटरेक्टिंग विद 50 यंगस्टर्स। हम दुनिया बदलेंगे के नाम से हमने ये कॉन्फ्रेंस की है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है कैंपेन का, जो कि हम थ्रू आउट पाकिस्तान रन करेंगे। तो मेरे साथ जो है वो वासित हैं, हेलो वासित। मेरे साथ पीछे खुर्रम है और पीछे अब्दुल समद हैं। हम चारों वहाँ पे जा रहे हैं, हम सब वहाँ पे सेशन भी चलाएंगे। खुर्रम भाई जो है वो ग्वादर में ही होते हैं, इनसे हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है, ये हमारे प्रोग्राम्स में हमारे साथ होते हैं और अब आप अपना प्रोग्राम कराने जा रहे हैं। अभी जो है वो हमने हाईवे ज्वाइन किया है, नॉर्दर्न बाईपास में अभी हम हाईवे ज्वाइन करेंगे फॉर ग्वादर। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर अस, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, प्रेयर्स नीडेड, क्योंकि आपको पता है ग्वादर या बलूचिस्तान की तरफ जब भी जाते हैं तो घर वाले भी परेशान होते हैं और इदारे वाले भी परेशान होते हैं। एंड हम जो है इसको आपको अपडेट रखेंगे, वी विल कीप यू पोस्टेड, जो जो बीच में होता रहेगा, जो जो हम सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। सो सी यू इन अ वाइल, थैंक यू। अच्छा भाई, वेलकम बैक। हम तकरीबन अपने तकरीबन 260-270 किलोमीटर जो है वो तय कर चुके हैं। ये हम हिंगोल के इलाके में, इसको अगोर भी कहते हैं। और इस जगह की खासियत ये है कि इस जगह की खासियत हमें नहीं पता, सारा कुछ ईरान से आता है, यहाँ सब कुछ ईरान से स्मगल होके आता है। और जो है ये कुंडमली से बिल्कुल पहले है, सो अब हम कुंडमली क्रॉस करेंगे। हमने यहाँ पर जो है खाना खाया है, पीछे ये होटल है और हमने यहाँ नमाज का वक्फा लिया है। अब हम आगे जा रहे हैं, इंटरनेट यहाँ पे नहीं है तो ये वीडियो आपको ऑफ कोर्स बाद में ही मिलेगी। सी यू सून, हम निकल लेंगे। अच्छा भाई, अब आप लोग को जो है मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी क्योंकि हम यहाँ से निकल रहे हैं। हम अब जाएंगे कुंडमली क्रॉस करते हुए उरमारा की तरफ। सो अब हम रोड को वापस ज्वाइन करेंगे। अबे ओ इधर इधर इधर, किधर जा रहे हो, उल्टा जा, वापस जा रहे हो, कराची निकल जाएंगे। सॉरी, मैं वापस कराची की तरफ चला गया था जिस बात में, अब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। आई होप ये सही रास्ता, मेरे हिसाब से वो सही था। अल्लाह हाफिज़।
हैं तकरीबन रुमाना से अब कुछ 80 किलोमीटर दूर रह गए, और जो रास्ता है वो काफ़ी मुश्किल तो नहीं कहूँगा लेकिन मुख्तलिफ है, कहीं चढ़ाइयाँ हैं कहीं सीधी रोड है, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है पिछले तकरीबन कोई 100-150 किलोमीटर से वो ये कि चारों तरफ जो बड़े बड़े पहाड़ हैं। सो अभी हम लोग डिस्कस यही कर रहे थे कि ये इतने शानदार खूबसूरत पहाड़ हैं, इतने बड़े हैं, ये इंसान से कई ज़्यादा गुना स्ट्रॉन्ग, कई ज़्यादा गुना वजूद में बड़े, ये हवाओं का रुख जो है वो पलट दें, ये जो है अपना परिंदों के लिए घोंसले का बाइस बन जाए, ये इतने ताकतवर हैं, उसके बावजूद इस इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है क्योंकि वो इंसान इसी पहाड़ी को काट के इसके बीच में से अपने लिए सड़क निकाल लेता है। सो जस्ट टू पॉइंट टू रिमेंबर एंड रिफ्लेक्ट अपॉन, सो मी एंड माय कोलीग्स एंड फ्रेंड्स वर डिस्कसिंग दिस, सो वी थॉट व्हाई नॉट शेयर इट विद यू, हैव अ लुक एट द माउंटेंस। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा 11 बज चुके हैं, प्रोग्राम का टाइम कुछ और था लेकिन लेट हो गया, होता है इन चीज़ों में, इस तरह की चीज़ें, पहला प्रोग्राम यहाँ पे और इसमें भी लग चुके हैं, मतलब टाइम के, देखते हैं क्या होता है और क्या, ऐसे मिलते हैं फिर। हम चाहते ही हैं कि 60 साल का बंदा हो या 80 साल का हो, लेकिन जब उस कमरे में बैठे तो वो दिल से और दिमाग से नौजवान हो, तो हम नौजवानी पे ज़रा ज़्यादा फोकस करते हैं। मेरा पहला आप लोगों से सवाल ये जो है, एक एक करके तुम्हारा नाम, आपका ताल्लुक किस इलाके से है, अगर आप इसी गवर्नर के अंदर ही रहते हैं तो वो भी बता दें, और आप लोग काम क्या करते हैं, अगर स्टूडेंट हैं अपना काम करते हैं तो वो बता दें। सो आपसे शुरू करते हैं, नाम और क्या। अगर मैंने उनसे पूछा समंदर के पास बैठेंगे तो क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि पुरानी मेमोरीज रिकॉल कर देना, तो ये उनका नजरिया था। दूसरे में मिली थी आबिद हाजी से, उन्होंने कहा था कि जिंदगी मेरे लिए एक मिशन है, इम्पॉसिबल है, मतलब मिशन इम्पॉसिबल टाइप की जिंदगी। आबिद हाजी कौन? और समंदर के पास बैठे तो ये सोचे काश समंदर नहीं आता, क्योंकि समंदर के पास जमीनों के लिए तो आगे इम्पॉसिबल है। और मैं विवेकानंद के पास गई थी, उन्होंने कहा था जिंदगी एक सफर है, और अगर वो समंदर के पास बैठते तो वो कहते हैं कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। अपने सुनाना होगा। हां सुनाना क्या जी? सुनाना ये है कि आपके जिंदगी में गुजरी हुई हर वो चीज जो आप तक आज अब तक वो आप दिल में बसा के बैठे, हर तकलीफ, हर परेशानी, हर मसले मसाइल अपार्ट फ्रॉम ये, फर्स्ट एनर्जाइजर। तसलसुला वो आई एस आई इंटरलिंक भी
آج ہے ظاہری شکلائی بھی بڑے امت تسلسل آئے ارتقائی عمل کے افکر بنیاد آئیں رجحان سازی بنیاد آئیں ذہن سازی بنیاد آئیں کردار سازی بنیاد آئیں پتہ ہم شیارت وزیر ہے سبلیمیٹ کے نئے ایز اے آرگنائزیشن ایز اے موومنٹ اور اس یہ ٹارگیٹ سیٹ کے نئے فوٹوگرافری اور کیمرہ میں نے دی اور میں نے یہ باتیں کار ایکٹری وغیرہ وہ سنبھالی ان کا اسٹری بناتی ہوں اور چونکہ یہ چیزیں کہ مطلب فوٹوگرافی یا کیمرے بارے میں سب کبھی شروع ہوتا تھوڑا کیمرے تاریخ کہیں اس نے لازمی جزی دی ہے کسی شکی ماں کمپیوٹر گرافکس ہونا ہے کمپیوٹر ہر چیزیں تاریخ آئیے نا لازم آئیے نا ہوتی ہمرے ذریعے کے نام برن انچو کہ مارا ہوئی سہر مشہور مشن کے بعد اہم مارا ہوئی بات نہیں ہوگا اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی فارمل سیشن نہیں ہے یہ ہم کہتے ہیں گرو جی بیٹھک ٹھیک ہے گرو جی بیٹھک میں یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے باسط بھائی آپ سے چھوٹی سی گفتگو کر رہے تھے بیٹھ کے اس طریقے سے ہم گفتگو کریں گے ٹاپک جو ہم جس چیز پہ بات کریں گے وہ پیشن اور اپنی زندگی کا مقصد وہ چیز میرے دل پہ لگی اور میں نے اس کے بعد یہ سوچا کہ میں ایک ایسی فیلڈ میں جاؤں گا ایسے کام میں جاؤں گا کہ جہاں مجھے روز اسٹیج پہ جانا پڑے اور ایسا کون سا کام تھا ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے لیڈرشپ اور کیا کام ہو سکتا ہے ٹیچنگ تو میں نے 2014 میں ٹیچنگ اسٹارٹ کر دی اب سب سے پہلے میں آپ سب کو بتاؤں گا میرا تعلق ہے لیاری کا نام سنے آپ لوگوں نے میرا تعلق ہے لیاری سے کراچی کا لیاری اور آپ لوگ کی جو کمیونٹی ہے ان سب سے میرا بہت اچھا تعلق ہے کیونکہ وہاں سے میرا بچپن گزرا ہے تو لیاری میں رہتا تھا اب آپ کو پتا ہے آپ کی لیاری کا کیا کانسیپٹ تھا ان دنوں تو اب سب سے پہلے تو میں نے سوچا کہ میں ٹیچنگ اسٹارٹ کہاں سے کروں کیونکہ مجھے کوئی جاب نہیں دے گا تو سب سے پہلے تو میری آنکھوں کی بیماری کی پرابلم آئی سیکنڈ ہرڈل میرے پاس کیا آ گیا کہ میں لیاری سے سر آپ بتائیں گے کیسے یہ میں خود سے ملا ہوں 2014 میں جب میں نے انالیسس کیا کہ میں کیوں زندہ ہوں تو اس سوال پہ مجھے اپنے آپ سے ملاقات ہوئی جس سے مجھے جاننے کا ایک کیا کہتے ہیں کہ جاننا شروع ہوا کہ میرے شوق کیا ہیں کس چیز سے مجھے خوشی ملتی ہے وہ کون سا کام ہے جس سے میں کرتا ہوں مجھے مطلب سکون ملتا ہے یا میں ٹائم سے اسپیس سے ان سب چیزوں سے فری ہو جاتا ہوں تو اس وقت میری ملاقات مجھ سے ہوئی کہ میں کیا چاہتا ہوں بہت زبردست معاشرے میں جو ہو رہا ہے جو دبی ہوئی اسٹوریز ہیں ان کو آگے شیئر کرنا چاہتا ہوں سر یہ بہت زبردست میں السلام علیکم اچھا آج کے پروگرام کے بعد ہم لوگ تھوڑے تھکے ہوئے تھے اور کچھ اور حرکتوں کے بعد پھر فائنلی سین ہوا ہے کہ نظرات کو دکھا دوں ذرا پی سی کے ساتھ کی جگہ تو مرجان میں ابھی آئے ہیں ہم لوگ بکول ان کے منجن پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا وہاں پسنی کو پنی کہہ رہے تھے یہاں پہ مرجان کو منجن بھائی جو پڑھنے میں آئے گا وہ بولیں گے نا پڑھنے میں آر کو کون کہہ رہا ہے لیکن ہم پی سی کے بالکل برابر ہیں پی سی کا وعدہ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے نا ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو دکھائیں گے وہ اس طرف جو یلو روشنی آپ کو دکھ رہی ہے نا وہ پی سی ہے ارے اوپر جو یلو ہے یار اورنج تو خیر یہ تو خیر آپ نے ایک چیز دیکھ لی پی سی کے برابر میں مر جان لیکن اب اس کے بعد جو نظارہ ہے نا گوادر روشنیوں کا شہر اور سی پیک کے ساتھ کا بہت کچھ اور یہ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے اور کیسے ٹھیک ہے السلام علیکم آج میرا تقریباً تیسرا دن یہ ہم دنیا بدلیں گے کانفرنس کے بعد کا دن ہے آج تو اس طرح پورے گوادر اور یہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے وہ ڈھابا ہے
इन लोगों ने मुझे उठाया था तकरीबन सुबह के 6 बजे। जी हाँ, सुबह के 6 बजे इन हजरत ने मुझे उठाया था। सबको उठाया था मैंने, सबको उठाया। फिर मैं इनके पास आया, देखा सारे सोए हुए हैं तो मैं भी सो गया। अच्छा, आप तो कर रहे हो ना? अब 9:30 बज रहे, नाश्ता चल रहा है। वाह, देखते हैं आगे रास्ते में कैसे कैसे अजूबे दिखाते हैं मेरे ये दोस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब जो है हम गवादर से अभी हमने एग्ज़िट किया है। गवादर टूल हमने क्रॉस किया, चेक पोस्ट पहला। हमारा एक दिन का यहाँ पे स्टे था, जो कि स्टे बहुत अच्छा गया। हमारा सेशन था जिसमें वी इंटरेक्टेड विद अराउंड 25 पार्टिसिपेंट्स, जो कि गवादर और उसके गिर्दो नवा से आए हुए थे, जिसमें पसनी एक जगह है, इसमें जवानी एक जगह है, जिसमें क्या जगह थी वो पिश्तून एक जगह है, वहाँ से चारों तरफ से लोग जो है वो आए हुए थे पार्टिसिपेंट्स। उनके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है, पार्टिसिपेंट्स का इंगेजमेंट लेवल, उनके जवाब, उनके सवाल हमारे लिए भी दिमाग खोल देने वाले, आँखें खोल देने वाले थे। एक चीज़ दैट आई वॉन्ट टू हाईलाइट इज़ कि जब हम कराची के अंदर जब ये न्यूज़ भी आती है ना कि लोग बलूचिस्तान जा रहे हैं, ट्रेनर्स बलूचिस्तान जा रहे हैं, टीम जो है बलूचिस्तान जा रही है, गवादर जा रही है, तो सब डर जाते हैं, इंक्लूडिंग आर फैमिलीज, आर फ्रेंड्स, आर कोलीग्स, एवरीबडी इज़ अफ्रेड कि हालात सही नहीं होंगे, रात में ट्रैवल नहीं करना, दिन में ट्रैवल करना, मुकामी बंदे को साथ लेके जाना। इस तरह की हमें इतनी बेशुमार चीज़ें बताई गई थी, एक एक सवाल पे जो है झगड़ा हो जाता है, सोच समझ के बोलना, बात करने की इतनी इजाज़त नहीं होती वहाँ पे, अपने कंटेंट को ज़रा लिमिटेड रखना, ज़्यादा खोल के बात नहीं करना, रिलीजन पॉलिटिक्स इनके करीब बात नहीं करना। डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, जितना भी हमें डराया गया था, जितना भी हमें समझाया गया था, और ऑफकोर्स हमारी बेहतरी के लिए ही था और कुछ सोच समझ के ही समझाया गया होगा, बट जब हम यहाँ पर आए तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। हमें बहुत बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिला, हमें बहुत अच्छे लोग मिले, हमें समझने वाले लोग मिले, हमें समझाने वाले लोग मिले, हमें सही करने वाले लोग मिले। ऐसी हमने कोई भी चीज़ फेस नहीं की है, बिल्कुल घर जैसा वो माहौल था। मेरे साथ बासित भी थे, उन्होंने भी काफ़ी सेशन चलाए हुए, अब्दुल समद पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी सेशन चलाए हैं, खुर्रम हमारे साथ हैं जिन्होंने हमें बुलाया था। और एक चीज़ ये कि खुर्रम ने सबसे ज़्यादा हमें डराया था, बाकी लोगों ने इतना नहीं डराया था, इन्होंने डराया था क्योंकि हमारे मैनेजर की तरफ से इनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि हमारे ट्रेनर्स एक पीस में वापस आने चाहिए। सो अब हम इंशाल्लाह एक पीस में यहाँ से निकल तो गए और इंशाल्लाह पहुँच भी जाएंगे। बहुत सारी हमारे लिए दुआएं कीजिएगा। बट गवादर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विज़िट, मतलब तीन तरफ पानी और एक तरफ से जो है वो ज़मीन का रास्ता, और जिस एक तरफ से रास्ता है उसके एज पे बिल्कुल पहाड़। सो आप जब पहाड़ के ऊपर बैठते हैं तो आपके बैक पे समंदर होता है पूरा, और आपके फ्रंट पे पूरा गवादर या पूरा पाकिस्तान होता है। और इसकी जो शेप बनती है, अगर आप मैप्स पे जाके, गूगल मैप्स पे जाके देखें, तो इसकी शेप बड़ी बाजी फिश की टेल जैसी शेप बनती है कि एक इलाका है, फिर उसमें पतला सा रास्ता लैंड तक जा रहा है, और वो इलाका जो है वो तीनों साइड से पानी में कवर्ड है। इसलिए बहुत खूबसूरत मंजर रात के अंदर, कराची वालों को आपको वैसे ही पता है सितारे देखने को नहीं मिलते हैं, तो हमने बहुत सारी भरपूर स्टार गेजिंग भी की है रात में, बहुत सारी चीज़ें अपने लिए लिखी भी हैं, बहुत सारी यादें यहाँ से लेके भी जा रहे हैं, बहुत सारी सीखने की चीज़ें यहाँ से लेके जा रहे हैं। सो ये हमारी जर्नी थी, अभी भी बहुत सारा सफ़र बाकी है, तकरीबन 700 किलोमीटर आज हमने गाड़ी चलानी है। और बासित को मुझसे शिकवा भी है कि मैं गाड़ी जो है वो चलाने किसी को देता नहीं हूँ, इस वजह से नहीं कि मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है, इन लोग को आती नहीं है, बट मुझे इंतहा का शौक है ड्राइविंग का। आगे कुत्ता है, कुत्ता है भाई। अच्छा, आगे कुत्ता भी आ गया, उसको भी बचाना है मैंने, मोबाइल भी पकड़ा हुआ, ट्रक भी आ गया भाई। तो ये हमारा सिलसिला है, बीच में हम फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपडेट देंगे तंग करने के लिए। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक। अभी हम तकरीबन उरमारा पहुंच गए हैं, हम उरमारा क्रॉस कर रहे थे तो हमें राइट पे एक रास्ता दिखा और हमने यहाँ रुकने का सोचा। रुकने का क्यों सोचा, क्योंकि गाड़ी के ब्रेक ऑटोमेटिक लगे हैं, सीधे हाथ पे जो नज़ारा था उसको मिस नहीं किया जा सकता। ब्यूटीफुल लैंडस्केप, एक तरफ पीछे पहाड़ियाँ, उसके आगे नीले रंग का समंदर, उसके बाद जो है वाइट रेत, और उस रेत के फौरन बाद जो है रोड क्रॉस करते ही पहाड़ियाँ शुरू। अब आपको भी अभी दिखाते हैं कि समंदर का और पहाड़ियों का क्या लुक है। सो ऐसे कुछ यहाँ के हालात कुछ ऐसे हैं।
अभी तक यहाँ इंसान नहीं पहुँचे, इसी वजह से शायद जो है कचरा आपको नहीं दिख रहा होगा। समंदर काफ़ी साफ़ है, इसलिए साफ़ है क्योंकि यहाँ पे अभी तक सिर्फ जानवर और परिंदे पहुँचे, इंसान नहीं पहुँचे। जिस दिन मेरे और आपके जैसे इंसान पहुँचेंगे तो शायद हम इसका भी हाल कराची बीच जैसा या और जितने भी बीचेज़ हैं उन जैसा कर देंगे। बट आई होप तब तक हमें शऊर आ जाए और हम कोशिश करें कि हम इन जगहों को ना गंदा करें, उल्टा प्रिजर्व करें, इनको बचाएँ, इनको विज़िट करें, इनसे सीखें, इनका ख्याल करें, क्योंकि ये दिस इज़ वॉट वी कॉल ब्यूटी। सारी बकिया सारी ब्यूटी जो है, बकिया सारी डेफिनेशंस इन्हीं इसी चीज़ से इंस्पायर होके बनी है। ये जो है असली ब्यूटी है जो हमें कुदरत ने सिखाई है। सो इफ़ वी वांट टू बी ब्यूटीफुल इन आर थॉट्स, इन आर एक्शन, इन आर वैल्यूज़ और इन एनीथिंग, वी नीड टू कनेक्ट विद द नेचर। सो हियर वी आर जस्ट लुकिंग एट द सी, टेकिंग डीप ब्रेथ्स, नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड, नो प्रोजेक्टर, नो मल्टी मीडिया, नो SMDs, नो डांस फ्लोर, नो स्टेजेस, नो साउंड सिस्टम, जस्ट यू एंड द मोमेंट एंड द नेचुरल एंड द नेचर। दैट्स वाई आई गेस वी कॉल इट मदर नेचर, क्योंकि माँ का जो प्यार होता है शायद यही इसी तरह की कोई फीलिंग, इसी तरह का कोई कनेक्शन होता होगा जो हमें यहाँ पर आके मिलता है। सो या डू विजिट दिस प्लेस अगेन, इट्स बलोचिस्तान, वी आर इन सेंटर ऑफ बलोचिस्तान, एंड येट हम बगैर किसी सिक्योरिटी, बगैर किसी गार्ड के अपनी गाड़ी में यहाँ तक आके खड़े हो गए। सो यस डू विजिट इट, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे भाई को मतलब वैसी चढ़ी कि नहीं भाई अब तो पानी में पैर गीले ही करने, तो अभी उनसे मिलते हैं, पूछते हैं उनको कैसा लगा। सोच रहा हूँ चलो व्लॉग का रिएक्शन नाम ही यही रख दूँ, कराची वालों का रिएक्शन ऑन बलूचिस्तान। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कराची टू गवादर कोस्टल हाईवेज आई हैव एवर बीन। सर इधर आएंगे, मैं नहीं आऊंगा सर, थोड़ा सा वो जूते नहीं उतारने वाले हैं सर, उनको वैसे भी रेत बहुत तंग करेगी ड्राइविंग में। अरे नहीं आके सर दिख रहे मुझे। तो अभी हम लोग तकरीबन सुबह के चले हुए 11 बजे कुछ 6:55 पे मेरी गाड़ी के हिसाब से SOL के ऑफिस में फाइनली पहुंच गए। ऑफिस में अंधेरा है और कुछ जगहों पे रोशनी, और फिलहाल यही